हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज आ गए हैं एक नए प्रोडक्ट के रिव्यू के टॉपिक के साथ। आज का जो हमारा प्रोडक्ट रिव्यू टॉपिक है वो काफ़ी ज़्यादा स्पेशल है। आई थिंक सभी कोई इसको जानता है, रेडबुल एनर्जी ड्रिंक। इसी को रिव्यू करेंगे, इसके बारे में हम इंफॉर्मेशन लेंगे। सो रेडबुल एनर्जी ड्रिंक एक एनर्जी ड्रिंक है, जैसा कि इस पर लिखा हुआ है, ठीक है। और ये ऑस्ट्रेलियन कंपनी द्वारा मार्केटेड किया जाता है एंड ये मार्केट में सबसे ज़्यादा बिकने वाला एनर्जी ड्रिंक है होल वर्ल्ड, ठीक है। यानी पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा बिकने वाला ये प्रोडक्ट है, एनर्जी ड्रिंक है, ठीक है। इसे रेडबुल GmbH कंपनी बनाती है, ठीक है। और आई थिंक मोर देन करोड़ कैंस इसके हर साल बिक जाते हैं, ठीक है। एंड इसके अलावा इसके में देख लेते हैं कि इसके इंग्रेडिएंट क्या क्या है। सो इसमें वाटर यूज़ हुआ रहता है, सुक्रोज यूज़ हुआ रहता है, ग्लूकोज ऐड हुआ रहता है, साइट्रिक एसिड इसमें यूज़ होता है, कार्बन डाइऑक्साइड इसमें यूज़ होता है, टाउरिन इसमें यूज़ होता है 0.04%, ठीक है। अब टाउरिन के ऊपर बहुत सारे इसमें लोग क्वेरी करते हैं कि इसके कुछ गलत तरीके से इसमें चीज़ एडेड किए गए हैं, लेकिन ये टॉरिन यहाँ पे फार्मास्यूटिकल कंपनी बनाती है, ठीक है, सिंथेटिक तरीके से, ठीक है। एंड इसमें फिर एसिडिटी रेगुलेटर्स यूज़ किया जाता है, जैसे तुम आपका सोडियम बाइकार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट, एंड फ्लेवर के लिए कुछ नेचुरल एंड आर्टिफिशियल चीज़ें यूज़ की जाती हैं। एंड कलर के लिए इसमें कैरामेल यूज़ किया जा सकता है, एंड कैफीन इसमें ऐड रहता है। कैफीन और टॉरिन इसमें दो मेन इंग्रेडिएंट है, एंड इसमें और तीसरा जो है विटामिन B6, B12, नियासिन इसमें ऐड है। तो इसका इंग्रेडिएंट ही इतना तगड़ा इसमें यूज़ किया गया है कि इसमें एनर्जी की पूरी क्वांटिटी इसमें दी गई है, ठीक है। अगर आप इसको लेते हैं तो आपके बॉडी में इंस्टेंट एनर्जी आती है, ठीक है, तुरंत एनर्जी आती है, ठीक है। एंड इसके बाद बात कर लेते हैं कि इसकी न्यूट्रिशनल फैक्ट्स क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे इसमें आपको एनर्जी मिलेगा 45 kcal, प्रोटीन आपका इसमें बिल्कुल भी नहीं है, एंड कार्बोहाइड्रेट इसमें आपको 11 ग्राम मिलेगा, एंड शुगर आपको 11 ग्राम मिलेगा, फैट्स इसमें बिल्कुल नहीं है इसमें, एंड टॉरिन इसमें 400 mg यूज़ किया गया है, एंड कैफीन इसमें 30 mg में यूज़ किया गया है। अब कैफीन के बारे में, अब कैन के अंदर की बात करते हैं, जो कंटेंट रहे, जैसे कैफीन के बारे में आई थिंक हम सबको पता है। हम डेली किसी न किसी तरीके से चाय, कॉफ़ी, चॉकलेट्स के वजह से या कोका बीन के वजह से हम डेली हर कोई कंज्यूम करता है, ठीक है। तो इसमें कैफीन ऐड हुआ रहता है, ठीक है। और ये एनर्जी भी तुरंत इंस्टेंट एनर्जी देने का सबसे अच्छा सोर्स होता है, ठीक है। इसको लेने से आपकी बॉडी को तुरंत रिलैक्स फील होता है। अगर बहुत ज़्यादा आपको टेंशन है, बहुत ज़्यादा आप वर्क करके आओ, तो और अगर आप इंस्टेंट आप चाय या कॉफ़ी लेते हो तो आपको बॉडी को थोड़ा रिलैक्स महसूस होता है, ठीक है। या कभी कभी आप काफ़ी ज़्यादा वर्क कर रहे हो, हैवी वर्क कर रहे हो, मेंटल वर्क कर रहे हो, तो वहाँ पे, या आप स्टडी कर रहे हो या कोई ऑफिस वर्क कर रहे हो, तो उस टाइम पे जैसे टी और कॉफ़ी आपकी ज़रूरत होती है आपके माइंड को रिलैक्स करने के लिए, तो उसी तरह इसमें कैफीन की सबसे ज़्यादा इसमें अच्छे खासे क्वांटिटी में इसमें यूज़ हुई है। एंड टॉरिन इसमें यूज़ हुआ है, तो टॉरिन एक अमीनो एसिड है। सो टॉरिन इज़ अ अमीनो एसिड नेचुरली ऑकरिंग इन द ह्यूमन बॉडी एंड प्रेजेंट इन द डेली डाइट, ठीक है। हमारे ह्यूमन बॉडी में प्रेजेंट रहता है और डेली डाइट में भी हमारा प्रेजेंट रहता है, ठीक है। और इसके बहुत सारे बायोलॉजिकल प्रोसेस हैं, ठीक है। तो ये हमारे बॉडी के लिए भी बहुत ज़्यादा अच्छा काम करता है। ये हमें मेंटल और फिज़िकल दोनों हमारे बॉडी को रिलैक्स प्रेजेंट करता है, यानी मेंटल रिलैक्सेशन भी प्रेजेंट करता है एंड फिजिकल रिलैक्सेशन भी प्रेजेंट करता है। इंस्टेंट एनर्जी प्रोवाइड करता है, ठीक है, टॉरिन की वजह से हमारा बॉडी में। एंड कई लोग का ये मानना है, जो फेक न्यूज़ है, कि इसमें ऑक्स के स्पर्म यूज़ हुआ होता है, तो ऐसा नहीं है। जो टॉरिन है वो सिंथेटिक तरीके से फार्मास्यूटिकल कंपनी इसको बनाती है और इसमें ऐड करती है। एंड इसमें बी ग्रुप विटामिन भी यूज़ हुआ है, तो विटामिन आपको पता ही है कि माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के लिए एसेंशियल सोर्स है, ठीक है। नॉर्मल बॉडी फंक्शन के लिए आपका काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होता है विटामिन बी। बॉडी के मेटाबॉलिज्म के लिए यूज़ होता है,
ठीक है, और जो आपका आप जो खाते हैं उसको प्रॉपर एब्जॉर्प्शन के लिए भी आपको विटामिन बी यूज़ होता है, ठीक है। एंड रेड बुल एनर्जी ड्रिंक इज़ मेड विथ सुगर सोर्स्ड फ्रॉम सुगर बीट्स, ओके, इसमें सुगर ऐड है। एंड एल्पाइन वाटर, नेचुरली वाटर इज़ द मेन इंग्रेडिएंट ऑफ द रेड बुल, ओके, सो इसमें वाटर भी ऐड है। एंड तो ये चीज़ इसमें मेन कंटेंट जो इसमें ऐड हुआ है। एंड इसके साथ साथ आपका ये रेडबुल आपको लेने से आपका कंसंट्रेशन भी बूस्ट होता है, ठीक है, कुछ समय के लिए, लेकिन कंसंट्रेशन आपका बूस्ट होता है। सो इसको आप, अब बात आ जाती है कि कब कंज्यूम करना है। तो अगर देखिए आप बहुत ही ज़्यादा वीकनेस फील कर रहे हैं, टायर्ड फील कर रहे हैं, या कहीं आपको पार्टी में जाना हो और आपको उस टाइम पे आप इसको ले सकते हैं, कोई भी इंटरव्यू के टाइम पे, या इसको कई एथलीट्स लेते हैं अपने परफॉर्मेंस के से पहले। एंड इसके अलावा अगर कोई एक्सरसाइज हो, ठीक है, या आपका कोई इम्पॉर्टेंट वर्क हो, ऑफिशियल वर्क हो, जहाँ पे आपको काम करने का मन नहीं कर रहा है, या फिर वो आपकी कोई इम्पॉर्टेंट आपके लिए डे है, तो आप वहाँ पे उस टाइम पे रेड बुल को ले सकते हैं, वहाँ पे हेल्प करता है। रेड बुल की लत आपको नहीं लगानी है, ठीक है, 500 ml से ज़्यादा आपको नहीं लेना है। एंड बच्चों को आपको बिल्कुल भी नहीं देना है, ठीक है, आप इसको 20 प्लस एज वाले ही कंज्यूम करेंगे। एंड इसमें प्रेग्नेंट वुमेन, ठीक है, लैक्टे जो ब्रेस्ट फीडिंग वुमेन है, अगर आपको शुगर का पेशेंट है, आप ब्लड शुगर के ब्लड प्रेशर के पेशेंट है, या अगर आपको कोई सीवियर प्रॉब्लम और है, तो किडनी प्रॉब्लम है, तो उस टाइम पे आप इसको यूज़ नहीं करना चाहिए, ठीक है, आपको इसके साइड इफ़ेक्ट्स देख सकते हैं, मिल सकते हैं। एंड इसको अगर आप हद से ज़्यादा यूज़ करते हैं, तो आपको पता है इसमें कैफीन यूज़ हुआ है, ठीक है, और फिर हद से ज़्यादा यूज़ करना फिर आपको एंग्जाइटी शो कर सकता है, डिहाइड्रेशन शो कर सकता है, नोज़िया शो कर सकता है। एंड अगर आपको इसकी लत लग गई और अगर आपने इसे छोड़ा, तो आपको वीकनेस और टायर्डनेस का, कंसंट्रेशन का प्रॉब्लम हो सकता है। तो इसको आप हमेशा नहीं, कभी कभी आप इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, हमेशा तो इसको बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना है। आप आपका जो भी आपका इम्पोर्टेंट वर्क होगा, आप उस हिसाब से आप इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। एंड इसका टेस्ट थोड़ा ठीक है, थोड़ा टेस्ट इसका कड़वा है, कड़वा टाइप का लगता है, बट आपको दूसरे तरीके की एनर्जी ड्रिंक की तरह आप इसको फील कर सकते हो, आप समझ सकते हो, मैं नाम नहीं ले सकता, ठीक है, दूसरे तरह की एनर्जी ड्रिंक, मतलब अल्कोहल टाइप की चीज़, तो आप उससे फील कर सकते हो, इसलिए कभी कभी आप इसको ले सकते हो। और अगर आप इसको हेल्थ इशू की वजह से लेते हो, तो कभी कभी इसको ले सकते हो, लेकिन रेगुलर यूज आपको इसको बिल्कुल भी नहीं करना है। सो आपको इसको मैंने साइड इफ़ेक्ट से लेकर के इसके यूज़ तक बता दिया। इसका साइड इफ़ेक्ट, अगर आप यूज़ इसको कर रहे हो, तो इसका साइड इफ़ेक्ट ज़रूर याद रखना, हमेशा नहीं लेना है, ठीक है। तो ये था यूज़ रेड बुल एनर्जी ड्रिंक का। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। होप यू लाइक द वीडियोज़, एंड इफ़ यू लाइक द वीडियोज़ प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।